तो महाराज परीक्षित ने कहा भगवान की कृपा है। और महाराज परीक्षित ने कहा होना ही चाहिए ऐसा, आए मुझ पर विपत्ति, मैंने अपराध ही ऐसा किया, इसका दंड मुझे मिले और उस दंड का उस दंड का भोग करके मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पुनः पवित्र हो जाऊं और फिर कभी कभी कालांतर में पुनः ऐसा करने का दुस्साहस ना करूं। और फिर एक और बात, किसी एक भक्त को लीला का माध्यम बनाकर भगवान अनेकों को शिक्षा देते हैं। घटना तो किसी एक के साथ घटती है लेकिन वो अनेकों अनेकों के लिए शिक्षाप्रद बन जाती है। उस घटना से फिर अनेकों अनेक शिक्षा ग्रहण करते हैं अगर करने वाले हों तो। अब बिल्कुल ही कोई पशु बुद्धि है वो तो अपने आसपास होने वाली घटना से भी नहीं सीखता है। सब मर रहे हैं उसको लगता है मैं नहीं मरूंगा। मनुष्य की यही दशा तो है, अपने आसपास प्रतिदिन प्रतिदिन वो किसी ना किसी को काल का ग्रास बनते देखता है, जीवन में आने जाने वाली हानि लाभ देखता है, अपनी दृष्टि से अपनी आंख से संसार में वो कितनों को बनता बिगड़ता देखता है लेकिन उसको लगता है भाई मैं अमरूं, मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। होता भी है तो श्मशान वैराग्य होता है, ऐसे पल दो पल का वैराग्य हुआ फिर आ गए, फिर उसी व्यवहार में पड़े। इसको कहते हैं पशु बुद्धि। संत लोग उदाहरण देते हैं, मैंने भी शायद आपको कभी सुनाया था, एक स्थान जहां पर जहरीली घास है, 8-10 पशु वहां चर रहे हैं, एक चर कर मर रहा है, दूसरा उसको देख तो रहा है लेकिन वो चरना छोड़ नहीं रहा, वो भी चर रहा है, अरे एक एक करके सब मर रहे हैं, क्योंकि पशु बुद्धि है ना, विचार नहीं है, विवेक नहीं है और कोई इससे बहुत आगे नहीं है मनुष्य भी, अपने आसपास वो ऐसे ही तो सब बनता बिगड़ता देख रहा है, फिर भी छल करता है, कपट करता है, पाप कमाता है, उस धन को कमाने के लिए पाप कमाता है। इसको आज तक तो भाई कोई लेकर जा नहीं सका अपने संग, कौन ले गया है छाती पर धरकर भाई। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना अपनी वाणी में कि जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन और बात सब बाद, बाद माने बेकार व्यर्थ। कह रहे जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन और बात सब बाद, दिवस चार के हला भला में अरे तू कहा लेगा ला। कह रहे सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, पर्वत चूर चूर हो जाते थे जिनके चलने से, नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। वो ऐसे वैसे ऐसे सुभट बलशाली राजा, आज उनका कोई नाम निशान नहीं है, सारी पृथ्वी कांपती थी, देवता घबरा जाते थे, ऐसी उनकी शक्ति थी, बोले आज उनका कोई नाम निशान नहीं है। अरे वो यहां से कुछ नहीं लेकर जा सके, कैसा दर्शन कराती है भगवान की लीला, काल को अपने सिंहासन के पाए से बांध कर रखने वाला रावण, ग्रह नक्षत्रों को अपनी इच्छा से चलने की आज्ञा देने वाला रावण, और चलो ये तो बेचारे छोटे हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवें, इनको भयभीत कर देने वाला रावण धीरे धूल में लथपथ पड़ा है युद्ध भूमि में, कोई रोने वाला नहीं है उसको, उसके शव को कोई संभालने वाला नहीं है। भगवान ने विभीषण जी से कहा जाओ इसका प्रेत कर्म कराओ, उसको कोई रोने वाला नहीं है, कैसा रावण, पर करता है मनुष्य इसका विचार, करता है नहीं करता है, जब उसके पास धन होता है, जब उसके पास यौवन होता है, जब उसके पास में सत्ता होती है तो वो मदान हो जाता है, उसको लगता है भाई हम तो यहीं रहेंगे, जीवों को दुख देता है, शोषण करता है, पीड़ित करता है, उसको लगता है कि भाई मैं तो अमर हूं यहीं रहूंगा। और पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, रब है और अब नहीं है, इसको कहते हैं पशु बुद्धि, यही पशु बुद्धि है। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि अच्छा ही होगा, यदि ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा।